कोरोना की दूसरी लहर की चेन को ब्रेक करने के लिए प्रशासन द्वारा 14 मार्च तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया, जिसके चलते रविवार को महापौर दयाशंकर तिवारी ने मछली मार्केट का दौरा किया और मछली मार्केट में पैदा हुए संभ्रम का निवारण किया। शहर में दिन प्रतिदिन कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा लॉकडाउन को 14 मार्च तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। हालांकि इस दौरान प्रशासन द्वारा शनिवार और रविवार को अत्यावश्यक चीजों के साथ मांसाहार बिक्री की दुकानें शुरू रखने का निर्णय लिया गया था, जिसमें शनिवार की शाम तो सब ठीक था, लेकिन अचानक शाम को पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, जिसके बाद वहां संभ्रम निर्माण हुआ। इस संदर्भ में महापौर दयाशंकर तिवारी ने अधिक जानकारी साझा की। मनपा प्रशासन ने जो मटन चिकन और मछली बाजार शुरू रखने का अध्यादेश निकाला था, परिपत्र निकाला था, वो सभी अखबारों के माध्यम से, सारे प्रचार तंत्र के माध्यम से प्रशासन में सभी जगह भेजा गया। कल मछली बाजार पूरा समय शुरू रहा, पुलिस ने किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं दी। कल एकाएक शाम को पुलिस की गाड़ी यहाँ घूमी और उसने आह्वान किया कि ये बंद रखना पड़ेगा। मुझसे पूछा गया तो मैंने बताया शासन का आदेश है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं, लेकिन फिर से पुलिस वालों से बात किया तो उन्होंने कहा डीसीपी साहब का आदेश है, तो हमारे अतिरिक्त आयुक्त श्री राम जोशी, इनसे मैंने डीसीपी साहब की बात करा दी कि भाई एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से बात कर ले। उन्होंने बात कर लिया, बात करने के बाद उनका फ़ोन आया, मेरी बात हो गई है, मैंने सभी से कहा बाजार शुरू कर लो, इन्होंने बाजार शुरू कर लिया। बाजार शुरू करने के बाद घंटा सवा घंटा बाजार चला होगा और फिर से सारे पुलिस वाले आकर के प्रत्येक दुकान से एक एक व्यक्ति को उठा के ले गए, ऐसी जानकारी मिली। इस दौरान महापौर ने जनता से घरों में ही रहने की अपील की, साथ ही कहा कि नागरिकों को खुद की और सभी की सुरक्षा के लिए घर पर ही रहना चाहिए, क्योंकि लोग ही कोरोना के कैरियर होते हैं। नागरिकांना आम्ही वारंवार निवेदन करत आहोत, त्याचा पालन नागरिकांनी स्वतःच्या जीवासाठी करणे आवश्यक आहे। कोरोना हा नागरिकांच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत जात आहे आणि कोरोनाचा कॅरियर हा नागरिकच आहे। नागरिकांनी स्वतःच्या स्वास्थ्य रक्षणासाठी, आपल्या परिवाराच्या स्वास्थ्य रक्षणासाठी, समाजाच्या वस्तीचा नागरिक स्वास्थ्य रक्षणासाठी आणि या नगराचं स्वास्थ्य रक्षणासाठी संयमचं पालन केलं पाहिजे आणि सीनियर सिटीजनला लस लावण्यासाठी त्यांनी आपली वेळ दिली पाहिजे। ज्या वस्तीत ते राहते त्या वस्तीचे सीनियर सिटीजनचं ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करून घेतलं पाहिजे। सुट्टीचे दिवसचा फायदा घेऊन जे जे नागरिक घरी आहे, ज्यांच्याकडे अँड्रॉईड मोबाईल आहे, त्या सगळ्यांनी आपल्या परिसरातले 10-10 सीनियर सिटीजनचे नाव जर ऑनलाईन नोंदवून दिले तर त्यांना तारीख भेटेल, वेळ भेटेल, गर्दी न होता निश्चित वेळेवर जाऊन त्यांना लस घेण्याची संधी मिळेल। म्हणून आपला लॉकडाऊनचा डेटा रस्त्यावर फिरण्याशिवाय या सामाजिक कामासाठी आपण उपयोग करावा, ही निवेदन मी आपल्याला। इस वक्त उन्होंने ज्येष्ठ नागरिकों से भी बढ़ चढ़कर वैक्सीन लेने की अपील की, साथ ही उन्होंने कोविड-19 के संदर्भ में जन जागृति भी की। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।